check on me. Promise that. तो गाइस अभी हम वीडियो बना रहे हैं, वो चीज जो हमारे रोज के अभी काम आ सकती है अगर लॉकडाउन है। तो अभी हमारे पास है i7TWS और दूसरा है i11TWS। तो अभी हम इसके कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं ज़्यादा पैसे देने पर कैसे मिलता है और कम पैसे देने में कैसे मिलता है। तो अभी हम पहले चल जाते हैं इसके डिफरेंसेस पे। तो देखते हैं, अभी हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे ऐसे इसको निकालते हैं। तो ये मुझे पूरा लग रहा है थोड़ा सा बड़ा साइज़। दूसरा भी निकाल लेते हैं, रुक के पहले मैं इसको चालू कर लेता हूँ, पहले बंद करते हैं बाद में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्पॉट स्टार्ट करने का, उसको मैं दबाता हूँ। तो गाइस अभी ये चालू हो चुका है, इसका बहुत अच्छा कलर दिख रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा। तो अभी हम निकाल लेते हैं इसको। हाँ, इस पर जो लाइटिंग होती है वो बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरा भी निकाल लेते हैं, ये दोनों अभी निकल चुके हैं। और ये मुझे लग रहा है मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मुझे इसका जो लो टाइम है वो थोड़ा बहुत कम लग रहा है i11 के कंपैरिजन में। i7 मुझे लग रहा है थोड़ा पुराना मटेरियल इसलिए। और इसको अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये रियल नहीं है, क्योंकि इसका डब्बा बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। तब हमारे i11 की तरफ चलते हैं, तो देख लेते हैं इसमें। तो ये है हमारे i11 और ये पूरा रियल साइज है इसका, देख सकते हैं। और अगर आपको चालू करना है तो हम पहले इसकी स्विच चालू करते हैं। रुक जाइए, दोनों पहले अंदर देता हूँ, ऐसे चालू करते हैं। तो देख लीजिए, इसमें अच्छा सा ब्लू कलर चालू हो चुका है, जिसका ये चालू हो चुका है मीन्स। अभी हम इसको निकालते हैं, अरे गिर गया, अरे। तो फिर ये ऐसे ही लाइट ब्लिंक करेगा और अंदर से एक साउंड आएगा, अगर आपको सुना दिया हो तो इसमें से एक जो ईयरबड्स है उसकी लाइट चालू हो जाएगी। ओके, तो ये चालू हो गए मीन्स कि इसको ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप बाद में इस जो डब्बा है इसके पीछे आपको चार्जिंग केस है, उसके पीछे एक जो स्विच मिल जाएगी, उसको आप ऐसे बंद कर देने का और ऐसे चालू करने का। ओके, तो अभी इसको अभी हम अंदर रख देते हैं। इसका जो मुझे अच्छा बात लगा वो है कि इसमें आपको वो एप्पल वाला जो चार्जिंग आता है सॉकेट, वो आपको मिल जाएगा। और जो i7 है i7TWS, उसमें आपको पीछे में मिलेगा। और यहाँ पे आपको वो एंड्रॉयड वाला जो चार्जिंग आता है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको करीब करीब पड़ जाएगा क्लब फैक्ट्री से, जब मैंने मंगा रहा है तो आपको करीब करीब मिल जाएगा ये 320 रुपये का, ये i11। और जो भी i7 मैंने अभी निकाला, मुझे पसंद नहीं आया, वो था i7, बहुत भंगार था। तो अभी मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसके साथ, मेरी लाइफ पेन के साथ। तो बी सेफ, बी एट होम, और लेना है तो ले लो अगर आपके वहाँ पे रेट जो नहीं है तो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बनाइए आपके दोस्तों को उल्लू जब आप लेंगे i11 का EWS। ओके, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी टेक्निकल और पूरी अलग अलग चीज़ों के व्लॉग के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स फॉर दिस रिव्यू। ओके गाइस, गुड बाय।